सबसे पहले हमने ये वाला सीन बनाया था जिसमें स्नेल चल रही है उसके बाद हमने ये डब्बे वाला थ्री पे ये फोर पे ये फाइव पे ये सिक्स सेवन और इन सारे सीन्स का मैंने आपको प्रोसेस भी दिखाया अपना तो अब मैं फाइनल कम्पटिशन बनाता हूँ जिसमें यह सारे कंबाइन होंगे इसका नाम मैंने रख दिया फाइनल सूट भी कर रहा है और अब इसमें मैं सारे सीन डालूंगा लेकिन सबसे पहले मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था थोड़ी देर पहले नहीं बहुत दिनों पहले किया था यानी अब मैंने इसे निकालने की तोफ़ीक हुई मुझे बहुत ज़्यादा क्या आपके ऑर्डर बहुत ज्यादा देर से आते हैं या आप तक पहुंचते ही नहीं फिक्र नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने दे दे होंगे अब क्या करें तूफानी तो शिपिंग से अब आप तक आपका ऑर्डर तेज और कम पैसों में पहुंचेगा पैकेज कहाँ पे और मजीद तफसत आप हमारे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं तूफानी तो शिपिंग नॉट कमिंग स्लो ये मैं बार बार इसलिए क्लियर करते रहता हूँ मैं प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ प्रोफेशनल ना लगे मेरी वॉइस ओवर में तो आप मुझ पुगलियाँ ना उठा सकें यार क्योंकि हाँ ज़ाहिर है मुझे एनिमेशन आता है ये वॉइस ओवर की आपको पता है पूरी एक अपनी पढ़ाई वगैरह होती है तो खैर ये मैंने यहाँ डाल दिया अपनी फाइनल कॉम्पजिशन में अब इसमें मैं ऑडियो डालता हूँ ये क्या है अच्छा एडबलिस्ट्रेटर का यार ये जो ऑडियो है इसमें हम बीट डालेंगे बीट जैसे मेरे पास पड़ी हुई है ये वाली ये बीट बॉक्सिंग है जो मुँह से आवाजें निकालते हैं जैसे मैं मुझे भी आती थी बीट बॉक्सिंग थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ <laughs> बस इतनी ज़्यादा नहीं आती थी इतनी तो खैर इसको स्टॉक इस बैकग्राउंड साउंड को मैं भी लेता हूँ सही तो कहाँ गया यहाँ आ गया तो इसमें मैंने ये सोचा था कि जब मैं ये यह बोलूँगा यहाँ तक अब, अब क्या, क्या करें, करें? तूफानी तो शिप अब क्या करें तो जब मैं अब क्या करें बोलूँगा ना कि इतना महंगा है ये अब क्या करें तब एक साउंड आएगा डायनमिक स्लैश वाला तो ये यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे कुछ फ्री साउंड इफेक्ट्स पैक्स होते हैं कुछ पेड होते हैं आपको जो बेहतर लग रहा है वो आप ले सकते हैं अब क्या करें थोड़ा पीछे लेते अब क्या करें अब स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा और फिर ये बीट स्टार्ट होगी ये वाली अच्छा शुरू में ऑडियो थोड़ा तेज़ लग रहा है तो मैं एल दवाऊँगा ऑडियो लेवल आ गया इस पर मैंने की फ्रेम किया कि यहाँ पे ऑडियो तेज़ होगा लेकिन आगे जाके हल्का सा कम हो जाएगा यानी माइनस टेन पर चले जाएगा अब सुनता हूँ क्या आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या आप तक पहुँचते ही नहीं फिक्र नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपये देने होंगे अब क्या करें तूफ़ानी शिपिंग से आप तक आप आपका ऑर्डर तेज़ और कम पैसों में पहुंचेगा पैकेज कहाँ पर है और मजीद तफसत आप, आप हमारे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं तूफ़ानी शिपिंग नॉट कमिंग स्लो ओह ये वाला स्मूथ था इसमें बस मुझे लग रहा है मुझे अपनी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी इसको मैं फाइव कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता ये मैं कैसे बना रहा हूँ तो वही एल दबा रहा हूँ तो एल से ये ऑप्शन आ जा रहा है ऑडियो का तो मैंने इसे पाँच पे कर दिया अब सवाल ये उठता है ए से क्यों नहीं आया ऑडियो तो ए से एंकर पॉइंट आते हैं इस तरह तो ऐसे भी नहीं आता <laughs> तो कई सारी अरेंजमेंट आफ्टर इफेक्ट वालों ने अपने हिसाब से रखी है जो उनको थोड़ी बेहतर समझ में आ रही थी तो ऑडियो का कलर यहाँ से जाके मैं सयान कर देता हूँ और लॉक कर देता हूँ ये नीचे लेयर है और इसको मैंने प्री कम्पोज कर दिया ताकि ये सारे एक लेयर में आ जाएँ तो पहले सीन से स्टार्ट करते हैं ये मेरा पहला सीन है क्या, आप क्या, क्या, क्या आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या आप तक ये आप तक पहुँचते ही नहीं पे दूसरा सीन डालूंगा दूसरा सीन कौन सा है ये रहा तक पहुँचते ही नहीं फिकर नहीं, नहीं करें आप तेज़ अब जब मैं तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन बोलूंगा तो ये इस तरह ऊपर चले जाएगा थोड़ा तेज़ी से तो मेरे ख्याल से इसके आगे वाला हिस्सा मुझे शो करना चाहिए ये अब तक, तक पहुँचते ही नहीं फिकर नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन कौन सा ये रहा तो ये इस तरह नीचे आएगा ऊपर से ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए अच्छा इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं सोचूं बढ़ा दूं यानी टी दबाया और शुरू में ज़ीरो रहेगी ले, ले, तो ले, ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको करोड़ रुपए दे होंगे ये ऊपर से नीचे आएगा ठीक तो इसको मैं दोबारा नहीं फिकर नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसकी ओहो ये बहुत स्लो लग रहा है बहुत स्लो लग रहा है यहाँ से मैं चाह रहा हूँ आए ठीक तो अभी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें आई थिंक मुझे बोलना कम पड़ेगा और दिखाने वाली चीज़ें ज़्यादा है तो आप गौर से देखें जो जो मैं कर रहा हूँ कि देखें मैंने पहला सीन जहाँ तक आवाज़ आ रही थी वहाँ से काटा अब ये वाला सीन है अब मैं यहाँ पे आता हूँ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं, सकते हैं। लेकिन तो उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए दे।, दे अच्छा अब देखेंगे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है एक के पत... बाद ये वाला सीन आया जब तो अब ये जो है ये बहुत देर से आ रहा है मुझे इसे और जल्दी करना है तो इसका मैं राइट क्लिक दबा के टाइम पे जाऊंगा और टाइम स्केच पे जाऊंगा और इसको मैं हल्का सा टाइम इसका कम कर दूंगा ठीक तो अब ये थोड़ा सा तेज़ होगा आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं ले लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने दे होंगे दे दे अब क्या करें करें, करें। अब जैसे ये बोलेगा यहाँ पे स्क्रीन डार्क हो जाएगा करें इस तरह कैसा लगा क्या आपके ऑर्डर बहुत ज्यादा देर से आते हैं या आप तक पहुंचते ही नहीं फिक्र नहीं करें आप तेज डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने होंगे अब क्या करें अब जैसी बीट आई हमारा सीन नंबर फोर आएगा जो हमने बनाया था यहाँ से खानी शिपिंग अब यहाँ से मैं सीन नंबर फाइव पे बढ़ूंगा सीन नंबर फाइव इसी के ऊपर आएगा इस तरीक़े से फानी शिपिंग से, से आप तक आपका ऑर्डर तेज़ और कम पैसों में पहुँचेगा फिर जब मैं मोबाइल की बात करूँगा तब सीन नंबर सिक्स आएगा और कम तो तो पैसों में पहुँचेगा पैकेज कहाँ पे और मज़ीद थोड़ा सा और पीछे आपका ऑर्डर तेज़ और कम पैसों में पहुँचेगा पैकेज कहाँ पे और मजीद तफसत आप हमारे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं अब यहाँ से सीन नंबर सेवन आ जाएगा इस तरह देख सकते हैं तूफानी शिपिंग नॉट हाँ कमिंग हाँ स्लो क्या आप क्यों? यार मैं वाकई में प्राउड फील कर रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा अभी मैंने इनको कंबाइन किया ना मैं लिटरली सोचा था अजीब सा लगेगा लेकिन बेहतर लुक आ गया है ठीक तो मैं काफी नर्वस हो रहा था एडिट करते हुए लेकिन अच्छा रिजल्ट निकला है खैर शू से मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको थीक? क्या आपके ऑर्डर आप बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या है। आप तक पहुंचते ही नहीं फिक्र नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने होंगे अब क्या करें एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जब यहाँ इसने क्लिक दबाया तो क्लिक की आवाज़ नहीं आई हम्म ये मैंने सही वक्त में नोट किया मुझे क्लिक की आवाज़ डालनी चाहिए मेरे पास क्लिक का ऑडियो पैक पड़ा हुआ है अच्छा देखिए मेरे पास ये सॉफ़्टवेयर इसमें हर कस्म के ऑडियो हैं जो मैंने अब तक जमा किए यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई ऑडियो निकालना हो ना तो आप अपने एक फ़ोल्डर बनाए ऑडियो के नाम से और उसमें आप जितने भी आपके पास ऑडियो हैं उन्हें सेव करते रहें क्या पता किसकी ज़रूरत कब पड़ जाए आपको तो उस वक्त के लिए आपको संभाल के रखना चाहिए खैर क्लिक क्लिक कैन चक्स ये ना माउस क्लिक हाँ ये सही है माउस क्लिक बहुत इस्तेमाल होता है जिस तरह की प्रोजेक्ट्स में मैंने पहले कभी काम किया है ना तो ये मैंने माउस क्लिक अपने ऑडियो पैक से निकाला उसको यहाँ डाला क्लिक की आवाज देर से क्यों आ रही है अच्छा okay. okay. no. okay. okay. क्लिक की आवाज़ है लेकिन बहुत हल्की सी है तो इसे मैं बढ़ा रहा हूँ ठीक okay. है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें मिक्स हो जा रही है लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यानी नोटेबल नहीं है आ अब से प्ले के देखते है. क्या आपके आप ऑर्डर बहुत, बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या आप तक पहुंचते ही नहीं फिक्र नहीं, नहीं, नहीं करें आप तेज डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं ले लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने होंगे अब क्या करें इसको थोड़ी देर और ले आता हूँ मैं अच्छा एक चीज़ मैं एक और करने सोच रहा हूँ कि ये जो ये वाला हिस्सा है इसके कटने से पहले इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी दबाया और क्रॉप कर दिया सही और इस पर मैं जाके इफेक्ट डाल रहा हूँ इन्वर्ट का या किसी और कस्म का जिसमें इसका रंग चेंज है तो मैंने इसे टेंट किया और रेड कर दिया एक हिस्से को और दूसरे हिस्से को ब्लू कर दिया तो अब ये थोड़ा सा हॉरर सा हो गया हाँ अब थोड़ा बेहतर लग रहा है यानी वाकई डर वाला लुक आ रहा है ठीक अच्छा इसके जो कटे हुए पार्ट को मैं दोबारा काटूंगा और उसका कलर मैं मज़ीद चेंज कर दूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा कि ब्लैक को वाइट कर दूंगा और वाइट को ब्लैक कर दूंगा उससे एक इन्वर्ट इफ़ेक्ट आएगा तो आप प्ले करके देखता हैं इसको मैं क्या आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या आप तक पहुंचते ही नहीं फिक्र नहीं करें आप तेज़ डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दस करोड़ रुपए देने दे दे होंगे अब क्या करें तूफानी तो शिपिंग से अब आप तक आपका ऑर्डर तेज़ और कम पैसों में पहुंचेगा। पैकेज कहाँ पे है और मज़ीद तफ़ील आप हमारे मोबाइल ऐप में देख सकते हैं तूफ़ानी तो शिपिंग नॉट कमिंग स्लो ओफ फाइनली बन गया और कितने यार इतना लंबे टाइम तक काम किया और 26 सेकंड का बना <laughs> क्योंकि मैं बात करते हुए बनाया था वरना इस टाइप के एनिमेशन तो मैं ठक ठक बना लेता हूँ वहाँ है? 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 ये क्या? ये क्या? ये ये है ये ये जिन कहाँ से आया यहाँ पे एक मिनट ये ये यहाँ कहाँ से आया अच्छा तो गलती पकड़ी गई एक अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक दवाऊँ तो यहाँ मैंने नोट किया कि यहाँ पहले से इसकी शक्ल मौजूद है ठीक तो इसका सोलूशन ये है कि ये जो मेरे पास लेयर थी फेस की इसको मैं आगे जाके शुरू में क्रॉप कर देता हूँ ताकि छुप जाए अब आ रही है हाँ अब इसका एक और आ रहा है आँखों वाला इसको भी मैं यहाँ काट देता हूँ तो शुरू के हिस्से से मैंने इसे काट दिया ताकि शुरू में यहाँ खाली रहें सही अब मैं प्ले करके देखता हूँ हाँ अब कुछ नहीं आ रहा तो तभी हम रेंडर करने से पहले प्रिव्यू लेते हैं तो ये एनिमेशन हमारा रेडी है छोटा सा सीन था जो बहुत आसानी से बन गया वाकई में आसानी से बना इसमें मुश्किल मैं तो शुरू से कहते बार इनमें कुछ मुश्किल नहीं है बस हमें डर लगता है ट्राई करने से इसे कहते हैं फियर ऑफ वाइट स्क्रीन यानी सफ़ेद स्क्रीन देख के लोगों को डर लगता है कि यार अब क्या क्या बनाना होगा कहाँ से आइडिया लाऊंगा कुछ भी नहीं किया मैं इधर उधर से इंस्पायरेशन रेफरेंस लेके आइडियाज़ लेके उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ टूल्स मैंने आपसे शेयर कर दिए तो ये थी कुछ कंपोजिटिंग टिप्स आई थिंक मुझे मैंने सही तरह समझाया होगा और आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी इसमें तो अब एक ज़रूरी एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें मैंने जो है एक प्रोजेक्ट फाइल का फोल्डर बनाया जितने भी डिज़ाइंस मैंने बनाए उन सबको यहाँ पर रखा और उन सब की जितनी भी कंपोजिशन है वो आफ्टर इफेक्ट में डाल के मैंने इधर लेयर में सेव की हुए अलग अलग नाम से सेवन सिक्स वगैरह के ठीक अब मैंने ये ऐसा क्यों किया इसकी मैं वजह बता रहा सुने और से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी और के लिए बनाया या अपने लिए बनाया जिसके लिए बनाया इरादा हुआ कि यार चेंजमेंट लानी है मुझे जो है ना नॉट कमिंग स्लो अजीब सा लग रहा है इसकी जगह लिख दें पाकिस्तान बेस्ट सर्विस ठीक या बहुत ज़्यादा तेज ठीक तो अब आपने चेंजमेंट का सोचा तो यहाँ डबल क्लिक किया इस फोल्डर के अंदर गए इस ढूंढा कहाँ लिखा हुआ है नॉट कमिंग स्लो यहाँ लिख दिया बेस्ट सर्विस या फिर बेस्ट डिलीवरी सही तो अब मैंने इसे चेंज कर दिया तो अब क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट फ़ाइल और सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी तो इस वजह से मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई इसे सही करने में अगर आपने कोई भी फाइल जैसे लोग अक्सर करते हैं एक बड़ा सा फोल्डर होता है उसमें चीज़ें मैस हुई हुई होती हैं कोई अरेंजमेंट नहीं होती प्रॉपर तो जब चेंजमेंट होती है तो कर नहीं पाते करनी होती है तो क्योंकि कुछ अरेंज ही सही तरीके से नहीं किया हुआ होता इस वजह से इन मसलों से बचने के लिए हम इन सबको ठीक अरेंज करते हैं सेट है तो इसको मैं रेंडर कर दूँगा और हमारा ये एनिमेशन रेडी होगा उम्मीद है इस कोर्स से आपको फ़ायदा हुआ होगा उम्मीद है जो मैंने सिखाया उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका मैं एनिमेशन देखूँगा आप मुझे ज़रूर सेंड करना जब आप अपना बनाएंगे आपके लिए एक असाइनमेंट भी है आपके लिए होमवर्क किया है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करें छोटा सा 20 सेकंड का 25 सेकंड का 10 सेकंड का अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है 10 सेकंड 5 सेकंड से शुरू करें 5 सेकंड का कोई जुमला रिकॉर्ड करें या इवन आपसे अगर बेसिक सीन्स भी नहीं बन रहे तो आप एडोबिल स्टेटर पर बेसिक मूवमेंट करें आपको आपको पता है ये जो मैंने बनाया ये भी एक एडवांस है यानी आजकल जो एड्स हमारे बन रहे होते हैं आप देखा करें यूट्यूब पे जो मोनेटाइजेशन आई भी होती है कई सारे एड्स की पाकिस्तान में मोशन ग्राफिक बहुत लो लेवल के बनते हैं ये तो मैंने इसमें रिकॉर्ड करते हुए बनाया इसलिए डिटेल कम रखी इसमें मैं अगर डिटेल ज़्यादा रखता तो ये मज़ीद डिटेल में बनता तफसीलात इसमें और भी आ सकती थी मगर इससे भी ज़्यादा बेसिक एड्स बन रहे होते हैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक के जो देख के मुझे इतना मज़ा नहीं आता तभी मैं जो मशहूर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उनसे इंस्पायरेशन लेता हूँ ठीक तो यही बस कुछ बातें शेयर करनी थी आपसे अगली क्लास में जो फाइनल होगी उसमें मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा मोशन ग्राफिक से रिलेटेड उम्मीद है इस वीडियो से उम्मीद है इस क्लास फायदा आप से आपको फ़ायदा हुआ होगा मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में